हे गाइस, स्वागत है आप सबका एफजेड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको निफ्टी का प्रेडिक्शन देने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी देखने वाले हम कि आज निफ्टी में क्या कारोबार हुआ। तो देखो, सिंपल सी बात है, निफ्टी की बात करें आज हम लोग तो करीबन 1 बजे के करीब ये काफ़ी डाउन पे चले गया था, लेकिन उसके बाद ना 2:40 के करीब इसमें थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट आया। एंड जैसे ही तीन बजे के बाद आप देख सकते हो कि अच्छा खासा मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, एंड क्लोज हुआ +129 पॉइंट्स ऊपर, मतलब 0.76% आज के दिन। एंड डाउ फ्यूचर्स भी अभी भी पॉजिटिव है अगर हम देखेंगे तो। अभी तक तो FIS का डेटा तो आया नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि डाउ फ्यूचर्स अभी भी पॉजिटिव है और SGX निफ्टी 9 रुपये से ऊपर है, मतलब लेकिन 17,200 पे देखने वाली बात है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारी निफ्टी है वो 17,080 पे है। वहीं अगर SGX निफ्टी जो सिंगापुर में होने वाली निफ्टी ट्रेड कर रही है वो 17,200 पे चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर मैं आपको कल की लेवल्स की बात करूं तो कल के दिन मार्केट जो है ना, अगर इसके ऊपर अगर जाके होल्ड करके डाउन आता है तो अब यहाँ पर एक बाई कर सकते हैं 17,600 पे, एंड ऊपर 17,300 तक आपको टारगेट मिल सकता है अपसाइड में। एंड डाउन साइड में तो आप ये समझ लो कि जितना चाहे डाउन साइड, क्योंकि अभी मार्केट काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, तो अगर गिरता है और कल के दिन एक्सपायरी भी है ना, तो अगर कल के दिन मार्केट गिरता है ना तो 16,700 तक गिर सकता है, बहुत ही तेज़ी से डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। बाकी ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये लेवल तक आप जा सकते हो यहाँ तक, लेकिन ये लेवल को अगर तोड़ देता है तो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट टूट जाएगा एंड मार्केट जो है ना वो बहुत तेज़ी से, मतलब मार्केट गिर सकता है। बाकी अपसाइड तो अभी हम देखते हैं, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, अगर प्रॉफिट, बिकॉज अपसाइड भी ये एक अच्छे लेवल पे है, ये एक एरिया में आप देख सकते हो कि कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट। एंड डाउनफॉल भी हुआ तो यहीं से हुआ था, तो अगर यहाँ पे अगर कुछ टाइम कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है लाइक कल 2-3 बजे के करीब, तो हमारा अच्छा खासा एक अच्छा सेटअप बन सकता है एंड अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, तो देख लेना कल के दिन। और क्योंकि एक्सपायरी है तो बहुत ही संभल के करना काम, और ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो इसी तरह से हो रहा है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो मोस्ट ऑफ, चाहे वो कॉल साइड जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ना वो भी घटे, और पुट साइड भी घटे, कॉल साइड भी घटे ओपन इंटरेस्ट, तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि मार्केट में अभी भी कोई डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा साइड जाएगा। बट क्योंकि एक्सपायरी है कल, तो सेलर्स लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर लिया है मार्केट में, बाइंग साइड भी एंड सेल साइड भी, तो दोनों साइड भी मतलब काफ़ी ये हो चुका है, कॉल पुट दोनों में लोगों ने सेल किया है, ठीक है। और अगर हम लोग अभी SGX निफ्टी भी देख ले तो 200 पे चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ये लेवल को आप याद रखना ध्यान से, ज़्यादा कुछ देखने की गरज नहीं, क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है उसमें काफ़ी कम प्लेयर है और एल्गो ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, मतलब कंपेयर टू अगर पहले के ज़माने में, पहले के टाइम जैसा चल रहा था वैसा नहीं हो रहा है। अभी लोग जो है वो मशीन्स ज़्यादा कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन मशीन पे कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी बड़ा बड़ा लॉस हो रहा है। जहाँ वो पहले 5-10 हज़ार लॉस करते थे ना, वहाँ 1 लाख भी जा रहा है, कभी भी कोई भी मूवमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से ना सेलर कमा पा रहा है ना बायर कमा पा रहा है। आप देखेंगे तो सेलिंग करने जाएंगे तो काफ़ी कम रुपीज़ लग रहा है आज के डेट में, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको एकदम ध्यान में रखना है। बाकी अगर हम निफ्टी देखेंगे तो आप देख सकते हो इंडिया शेयर लोअर एट क्लोज, ये कल का था, 28 मिनट पहले देखो बंद हुआ, 350 पॉइंट अपना सेंसेक्स बंद हुआ, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग टेक निफ्टी अबाउ 17,000 लेवल, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो रहा तो 17,000 ही आ रहा है, ये दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जनरल ने बोला, ठीक है। तो इसी तरह से ज़्यादा कुछ ये नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का आ चुका है, ये FIS का डेटा आया नहीं है, FIS का डेटा मैं ट्राई करता हूँ, अगर रात में पॉसिबल होगा तो रात में आपको FIS का डेटा भी दे देता हूँ, ठीक है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रख लेना, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, ठीक है। और अगर हम लोग आज ये देखेंगे तो सामने ही हमारे कुछ, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आज का मार्केट, कंसोलिडेट था वो पता भी था, ठीक है। पिवट पॉइंट में भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस 3 के पास इसने रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, फिबोनाची पॉइंट्स लगाया मैंने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।